तो गाइज अनिकेत जांगिड़ की नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गाड़ी को पैरेलल पार्क कैसे करें। यानी कि मान लीजिए आपके जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे आपकी एक गाड़ी खड़ी है और जहाँ पे पीछे दीवार है वहाँ पे भी एक गाड़ी है और ये जहाँ पे गेट है यहाँ पे आपकी बाउंड्री है और आपको इस गाड़ी के बीच में और उस गाड़ी के बीच में आपको गाड़ी को पार करना है, तो आप कैसे पार करोगे तो आज मैं आपको ये बताऊँगा। और अगर आप ये वीडियो कम्प्लीट वॉच करोगे और ध्यान से जो टिप्स मैं आपको दूंगा उनको फॉलो करोगे तो आप देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से कम ये 1.5 फुट का गैप है और यहाँ पे भी तकरीबन 1.5 फुट का गैप है, तो आप तकरीबन अपनी गाड़ी की लेंथ से 3 फुट के गैप में गाड़ी को इजीली पार कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने यहाँ पे गाड़ी तो पार्क कर दी, लेकिन आप यहाँ से गाड़ी को निकालोगे कैसे, यानी कि पार्किंग से गाड़ी अपनी निकालोगे कैसे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइज अभी आपने जो पैरेलल पार्किंग का ये तरीका दिखा, ये है बिल्कुल गलत तरीका और मैं देखता हूँ बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क, तो आपको नहीं करना है। क्योंकि इस ऐसे में होता क्या है कि आपके जो कार का फ्रंट व्हील होते हैं, आपकी जो कार के फ्रंट व्हील होते हैं वो टर्न करते हैं, यानी कि आप स्टेयरिंग से उन्हीं को डायरेक्शन देते हो। और आप जब क्या करते हो, जब आप गाड़ी को फॉरवर्ड में पार्क करते हो, अगला हिस्सा पहले पार्किंग एरिया में ले जाते हो, तो क्या होता है आपके अगले टायर्स तो आप वहाँ पे ले जाते हो जहाँ पे आपको ले जाने होते हैं, लेकिन जो पिछले टायर्स होते हैं वो बाहर रह जाते हैं, उनको आप सही जगह पे नहीं पहुँचा पाते। तो इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका है रिवर्स पैरेलल पार्किंग। तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ वो भी क्या होता है। उसमें क्या होता है, आप अपनी गाड़ी को रिवर्स में गाड़ी को पार्क करते हो, यानी कि पहले आपकी गाड़ी का रिवर्स का हिस्सा पार्किंग एरिया में जाता है और फिर आपकी गाड़ी के अगले टायर्स आते हैं, तो आपके अगले टायर्स खुद तो सही जगह पे आ जाते हैं, वो पिछले टायर्स को भी सही जगह पे ले आते हैं, तो उसमें आपकी गाड़ी बिल्कुल पैरेलल हो जाती है जो आपके बाउंड्री होती है उसके। और ये जो तरीका मैंने आपको दिखाया, इसमें आपकी गाड़ी की बैक साइड बाहर आ जाती है रोड से, उसको आप पैरेलल पार्किंग नहीं बोलोगे, इसको आप पैरेलल पार्किंग नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें आपकी गाड़ी पैरेलल होती नहीं है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं रिवर्स पैरेलल पार्किंग, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज आपको क्या करना है कि आपको पहले गाड़ी को अपनी साइड वाली गाड़ी के बिल्कुल पैरेलल में कर लेना है, और ध्यान रखना आपकी गाड़ी और साइड वाली गाड़ी के बीच में कम से कम 1.5 फीट का गैप होना चाहिए, और फिर आपको हल्का हल्का गाड़ी को बैक करना है, और जब आपकी गाड़ी के पिछले टायर्स आपकी साइड वाली गाड़ी को क्रॉस कर जाए तब आपको फुल लेफ्ट साइड में टर्न कर देना है,
और धीरे धीरे गाड़ी को बैक करना है। और जब आपको लगे कि आपकी गाड़ी के जो राइट साइड का रियर व्हील है वो आपके पार्किंग एरिया में आने वाला है या आ चुका है, तो फिर आपको राइट साइड में स्टेयरिंग घुमा देना है और हल्का हल्का बैक करना है। और इतना भी स्टेयरिंग मत घुमा देना कि आपकी गाड़ी का बोनेट आपकी सामने वाली गाड़ी में जाके लगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और फिर आपको गाड़ी को बैक करना है। और अगर आपकी गाड़ी परफेक्टली पार्क नहीं होती तो फिर आपको स्टीयरिंग को थोड़ा लेफ्ट में मोड़ के आगे कर देना है, आपकी गाड़ी परफेक्टली पार्क हो जाएगी। यही है बस पैरेलल पार्किंग में, और कुछ नहीं। तो गाइस ये देखिए, ये बस यहाँ पे तकरीबन 1 फुट का गैप बचा है आगे, और पीछे दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे पीछे 2 फुट का गैप है, यानी कि ओवरऑल आपको आपकी गाड़ी की लेंथ से 3 फुट ज़्यादा जगह चाहिए अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। और चलिए ये तो हुआ गाड़ी को पार्क करने का, अब अपनी गाड़ी तो पार्क कर दी, अब आप इसको निकालोगे हमें यहाँ से, तो उसको निकालने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी, देखिए। तो गाइज ये देखिए, हमने कितनी आसानी से अपनी गाड़ी यहाँ से पार्किंग से निकाल भी ली। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे इसकी तो फिर आप आराम से बिना किसी दिक्कत के ऐसे पैरेलल पार्किंग कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसी ही ड्राइविंग की और रिव्यूज की और भी बेस्ट बेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।